गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे मेरा नाम है सुनील अधिकारी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आज का वीडियो अगेन बच्चों लोगों इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है आज का वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन बच्चों ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि सर हमें बी इन फाइनेंशियल मार्केट करना है सो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में हम बी फाइनेंशियल मार्केट का पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको समझाने वाला हूँ बताने वाला हूँ क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहता है क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट यूनिवर्सिटी का सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं क्या वो सब्जेक्ट आप पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे सारा डिस्कशन आज की वीडियो में होता है तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते ये वीडियो करते हैं स्टार्ट चलिए सबसे पहले देखिए बच्चों सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दैट मींस हर कॉलेजेस में यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम चलता है हर ईयर में आपके दो सेमेस्टर होते हैं पहले ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेम सेकंड ईयर में आपका थर्ड और फोर्थ सेम लास्ट जो ईयर होता है वहाँ पर आपका कौन कौन सा होता है फिफ्थ और सिक्सथ सेमेस्टर यहाँ तक क्लियर हो रहा है चलिए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें जैसे ही आप एडमिशन लेंगे वहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ पर है ना इसको एड्रेस कर लेता हूँ बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हम स्पेशलाइजेशन जो बीकॉम में चूज़ करते हैं वो हम कब करते हैं वो हम एडमिशन के समय करते हैं या फिर सेकेंड ईयर में करते हैं देखिए मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करने का जो टाइम होता है वो होता है कब होता है सेकेंड ईयर में राइट right? और कई कॉलेजेस आपसे शुरुआत में ही पूछ लेते हैं कि आप कौन से स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करना चाहेंगे सो so, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है सेमेस्टर फर्स्ट में प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है बेसिक आता है स्टेटिस्टिक का बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है बिजनेस इन्वॉलमेंट आता है राइट देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ऑलमोस्ट थ्री टू फोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं दो हमारे यहाँ पर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है राइट जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है फाइनेंशियल मार्केट अब ये बच्चों किन बच्चों को ये कोर्स करना चाहिए देखिए ये भी जरूरी है जानना क्योंकि मैं पहले से आपको अवेयर कर दूं यार, राइट? रियलिटी के बेस्ड पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी है देखिए फाइनेंशियल मार्केट हमारा एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है सो so, जिन बच्चों की भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह काउंटिंग कैलकुलेशंस वगैरह बहुत अच्छी है एनालिटिकल माइंड है राइट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं उनको उन बच्चों के लिए फाइनेंशियल मार्केट कोर्स बहुत ही बढ़िया है या बी बी कॉम इन फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छा कोर्स है राइट क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो प्रैक्टिकल मिलेंगे या तो मैथमेटिकल कैलकुलेटिव बेस्ड मिलेंगे या फिर स्टेटिस्टिक बेस्ड मिलेंगे इकोनॉमिक्स बेस्ड मिलेंगे राइट right? ग्राफ चार्ट्स वगैरह समझने वाले सिस्टम होते हैं इसमें तो कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो स्ट्रांग होनी चाहिए राइट चलिए सेमेस्टर सेकंड की बात करें तो एनवामेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन आता है कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है और प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट आता है राइट तो सेमेस्टर सेकंड में भी देख सकते हैं तीन से चार आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं और जो अदर हैं दो के नियर अबाउट सब्जेक्ट आपके थ्योरिटिकल रहते हैं राइट सेमेस्टर थर्ड की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको डेप मार्केट मिल जाता है कॉपरेट फाइनेंस मिल जाता है इक्विटी मार्केट मिल जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम मिल जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इन्वेस्टमेंट मिल जाता है राइट right? uh, यहाँ पर आपको बिजनेस एथिक्स जैसे सब्जेक्ट मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जैसे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं सेमेस्टर फोर्थ की बात करें तो कमोडिटीज मार्केट आता है कॉपोरेट फाइनेंस का पार्ट सेकेंड आता है इक्विटी पार्ट का इक्विटी मार्केट का पार्ट सेकेंड आता है फाइनेंशियल सर्विस आती है टैक्सेशन फॉर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर टॉपिक आता है सिक्योरिटी एनालिसिस आता है और फिर आपका बिजनेस लॉ आता है राइट सो अगेन आप देख रहे होंगे मेजोरिटी ऑफ द जो टॉपिक्स है वो है प्रैक्टिकल और एक या दो हमारे यहाँ पर थ्योरिटिकल uh, सब्जेक्ट भी है सो so एक अच्छा एट रेशो टू मतलब एट्टी परसेंट प्रैक्टिकल ट्वेंटी परसेंट थ्योरिटिकल ये हमारा कोर्स का करिकुलम रहता है बी कॉम इन फाइनेंशियल मार्केट का राइट right? चलिए आगे देखते हैं बच्चों आगे है फिफ्थ सेम फिफ्थ सेम में ग्लोबल कैपिटल मार्केट रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इंश्योरेंस फंड मैनेजमेंट डिराइवेटिव मार्केट फॉरन एक्सचेंज मार्केट आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट आता है आपका फर्स्ट और प्रोजेक्ट सेकेंड आता है आपका सेमेस्टर सिक्स में राइट right? सिक्स की बात करें सेमेस्टर की तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कारपोरेट गवर्नेंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कस्टमर रिलेशनशिप इन फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोजेक्ट सेकेंड पार्ट सेकंड आता है प्रोजेक्ट वर्क का हो रहा है बच्चों क्लियर सो so, मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा देखिए ये वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे लंबा चौड़ा मैं खेचूंगा नहीं फालतू की यहां पर बातें नहीं करूंगा इस वीडियो का मेन मकसद था आपको अवेयर करना यार आप एडमिशन ले रहे हो उससे पहले एक बार सिलेबस को देख लो ताकि आपको पता लग सके यार मेरा बस का है या नहीं है राइट क्योंकि देखो मैं ऑनेस्टली इस चैनल के थ्रू ना आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश करता हूँ कई बच्चे ना सपनों की दुनिया में जीते हैं कि यार ये मैं कोर्स कर लेता हूँ मैं अच्छा हूं या नहीं हूं वो मैटर नहीं करता मैं एडमिशन ले लेता हूँ फिर देखा जाएगा जो होता है नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता देखो मैं बहुत बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ ऑलमोस्ट डेली मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ राइट अगर आपको भी करनी है तो आप बुक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पर बहुत बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर मैंने उस कोर्स में एडमिशन ले लिया अब मुझसे वो कोर्स पूरा नहीं करा जा रहा है राइट सो ये गलती मैं नहीं चाहता कि और बच्चे करें इसलिए पहले से ही अवेयर रहिए अब अपनी स्ट्रेंथ देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ यार ट्रेंड फॉलो मत करो स्कोप फॉलो मत करो अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को फॉलो करो अगर आप वो चीज करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो वो पढ़ने का मन करेगा उसमें अच्छा बनने का मन करेगा तभी जाके आप उसमें अच्छा कर पाओगे अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली है जिसमें आप खुद अच्छे नहीं है आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का मन नहीं है सो तो यार कैसे आपका बेड़ा पार होगा समझ में आ रहा है राइट सो so, इस वीडियो के थ्रू आपको फाइनेंशियल मार्केट का कच्चा चिट्ठा जिसको बोलते हैं राइट सब कुछ पता लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा जब भी आप एडमिशन लेंगे चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में लो यार राइट थोड़ा बहुत सिलेबस इधर उधर हो सकता है क्योंकि हर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का कोर्स का करिकुलम थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है लेकिन मेजोरिटी ऑफ़ द टॉपिक्स वगैरह मेजोरिटी ऑफ़ द जो फ्रेमवर्क रहता है कि जो रेशो रहता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा थ्योरेटिकल थोड़े से कम ये ऑलमोस्ट सेम रहता है राइट तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा डिस्क्रिप्शन में वेरियस लिंक है काउंसलिंग बुक करने का हो गया चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप का हो गया बेस्ट बुक्स का हो गया सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चेक ऑन करना मत भूलिएगा मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर गुड बाय पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी देने आएगा थैंक यू सो मच